नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रजनी पाठ के को पढ़ा था। इसके कुछ जो है दृश्य हमने पढ़े और उन दृश्यों में पहले अमित स्कूल से आता है, रजनी और लीलाबेन दोनों दोस्त हैं, यानी आपस में उनके फ्लैट नज़दीक नज़दीक हैं, और लीलाबेन का जो बेटा अमित है वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। मैथ का ट्यूशन न लेने के कारण उसके टीचर ने उसे मैथ में नंबर कम दिए हैं, तो रजनी स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है लेकिन वह कोई एक्शन नहीं लेता है। उसके बाद शिक्षा अधिकारी के पास जाती है, वहाँ वह कहता है कि आपके सिवाय ऐसी शिकायत लेके आने वाली कोई महिलाएं नहीं है, आप ही पहली हैं, आखिरी भी हो सकते हैं। तो लीला में जो क्या नाम है उसका, रजनी है, वो गुस्से में आती है कि अब तुम्हारे मेज पे जो है ना चिट्ठियों के या पत्रों के है ना मैं भीड़ लगवा दूंगी। और ये दृश्य है ना वहाँ समाप्त होता है जब लीलाबेन के साथ तीन चार औरतें और भी हैं और वह उनके एड्रेस नोट कर रही है। तो अब इससे आगे अगला दृश्य। तो विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कुछ वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब भी कर लें और घंटे वाले बटन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। विद्यार्थियों, आप पढ़ते जरूर हो लेकिन आप शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों में शेयर किया करो भाई। देखिए आगे क्या होता है। किसी अखबार का दफ्तर है, कमरे के में संपादक बैठे हैं, साथ में तीन चार स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। भाई संपादक अपने आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप दे दिया है, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना चाहिए। रजनी ये का एक जोश में आकर के आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा अखबार। यदि किसी इश्यू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो वह थोड़े लोगों की बात नहीं रह जाती है, सबकी बन जाती है। आंख मूंद करके नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए अगर ज़रा अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं, शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे यानी संपादक हंस करके, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को और लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर लिया है, एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए एकाएक यानी होते हुए एक काम और कीजिएगा, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं राइट अप के साथ, आपकी इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों को तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके, जरा सा रुक करके अधिक से अधिक लोगों के आगे आने का आग्रह के साथ सूचना दीजिए। अब कहते हैं यदि आप है ना सहयोग करते हैं तो आपके अखबार में एक छोटी सी कटिंग निकाल दीजिएगा, जिससे एक पेरेंट्स मीटिंग में सारे लोग आ सकें, क्योंकि हम घर घर जा करके बहुत कम लोगों से मिल पाए हैं। ये दृश्य समाप्त हो जाता है भाई, सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी ये हुई ना कुछ बात। तीसरा दृश्य समाप्त है भाई, अगला दृश्य नया दृश्य। मीटिंग का स्थान है, बाहर कपड़े का पर बैनर लगा हुआ है, उसकी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं, लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कट करके अंदर जाता है, हाल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं और बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतर करके नीचे आती है, हाल में तालियों की गड़गड़ाहट, अब मंच पर से उठ करके रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी का पति के पति बैठे हैं, बहनों और भाइयों इतनी बड़ी संख्या में
आपकी उपस्थिति और जोश से जोश ही बता रही है कि हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर भी इस समस्या का कई पहलू सामने आए हैं। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुक करके यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता जरा रुक करके जैसे वे घर के भीतर और किसी काम में जरा सी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठाका कैमरा उसके पति पर भी जाए तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुक करके बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर के बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा नहीं होता। तो यहाँ प्राइवेट स्कूल की शिक्षा पद्धति पर भी करारा व्यंग्य है कि स्कूल वाले अच्छा मेहनताना अध्यापकों को नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन ट्यूशन करना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत कराए जाते हैं, ये भी करारा व्यंग्य और सत्य है। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर के एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे धीरे फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसला मिल गया, कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, यानी एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। रुक करके ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके अंक काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग इस अपनी राय दीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, वास्तव में जो मनु भंडारी ने जो लिखा है इस पर सरकार ने गौर किया है और सरकारी टीचरों पर बैन भी लगा दिया है कि वो ट्यूशन नहीं कर सकते। यदि कोई अध्यापक ट्यूशन पढ़ाता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। अगला दृश्य भाई, नया दृश्य, रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय है, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है, पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है, जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है पति, अरे 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 रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जो का तो स्वीकार कर लिया है। रजनी भीतर दौड़ती हुई आती है, अखबार छीन करके जल्दी जल्दी पढ़ती है, चेहरे पर प्रसन्नता संतोष और गर्व का भाव है। रजनी तो मान ही लिया हमारा प्रस्ताव बिल्कुल जैसा का तैसा और बन गया यह नियम, खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती हैं। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पर बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ा गर्व है, वास्तव में आप पर बहुत बड़ा गर्व है। रजनी इतराते हुए थोड़ा सा 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद आज हंसते हो, यानी पहले तुम भी मुझे रोक रहे थे। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश, लीलाबेन उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ, कांतिबाई और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़ करके अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है और रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हुए हंसी के साथ धीरे धीरे सारा दृश्य समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इस प्रकार हमारा ये लेसन हो गया है ख़त्म। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर, बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी मेरा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कसर मत छोड़िएगा, यही मेरा मेहनताना है। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।